नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो आंखों की देखभाल कैसे करें। आंखें प्रकृति की दी हुई सबसे खूबसूरत चीज है, सबसे कीमती। इसकी वजह से हम पूरी प्रकृति को देख सकते हैं, पहाड़, पर्वत, झील और सारी खूबसूरती जितनी भी है वो आंखों से ही देख सकते हैं। और आंखें हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, और इन आंखों को हमें सारी उम्र बचा के रखना है। तो आइए देखते हैं आंखों की देखभाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आंखों को कभी भी हाथ से मले नहीं, ना इसको छुए। सिर्फ कॉटन के कपड़े से या फिर रुमाल से उसको हम पोंछ सकते हैं, ठीक है। कभी भी हमें उसको हाथों से आंखों को मलना नहीं है और टच नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर आंखों में कुछ चला जाए तो उसे ग्लास में पानी भर के अपनी आंखों को डुबा सकते हैं। एक एक करके पहले एक आंख ग्लास के पानी में डुबाइए, ग्लास को पूरा भर लीजिए, उसमें एक आंख डाल दीजिए इसमें, फिर दूसरी आंख उसमें डाल दीजिए। और या बाल्टी में भी कर सकते हैं। जब भी आप बाहर से आए तुरंत आंखों को धोइए, और रात को सोने से पहले भी आंखों को धोइए। आंखों को हमेशा ठंडे पानी से धोएं, गर्म पानी से बिल्कुल न धोएं। आंखों की शुष्कता को खत्म करने के लिए इसमें गुलाब जल डालें, या डॉक्टर की सलाह पर कोई भी आई ड्रॉप आप डाल सकते हैं उसमें। हम लोग ज्यादा देर तक कंप्यूटर पे फोन में काम करते हैं तो आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, और उसको दूर करने के लिए हम उसमें गुलाब जल सुबह शाम दो दो बूंदे, या फिर कोई आई ड्रॉप डॉक्टर की सलाह पर ही डालें और आंखों की नियमित जांच कराएं। और शुगर की जांच भी कराएं, क्योंकि अगर शुगर है तो आंखों के पर्दे खराब हो सकते हैं। अब सावधानी जो जो हम लोग कर सकते हैं आंखों के लिए, मोबाइल और लैपटॉप का प्रयोग कम से कम करें। हम लोग आजकल लॉकडाउन भी चल रहा है तो ज्यादातर टाइम मोबाइल में ही बीत रहा है, और बच्चे भी आजकल खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए अगर आवश्यक नहीं है तो मोबाइल का प्रयोग कम करें, और या फिर अगर ज्यादा ही जरूरी है तो फिर उसको आप थोड़ा सा गैप दें, उसमें 1 घंटे के बाद या आधा घंटे के बाद आप अपने आप को धोएं। और या फिर उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, धो नहीं पा रहे हैं, तब भी आंखों को बीच बीच में उसको झपकते रहें। झपकने से क्या होगा कि एक लिक्विड रिलीज होता है हमारी आंखों में और आंखों को साफ कर देता है। और जहां भी आप पढ़ाई करें वहां पे पर्याप्त रोशनी हो। पर्याप्त रोशनी का मतलब ये नहीं कि वहां पे पूरी चकाचौंध रोशनी हो, इतनी रोशनी हो कि आपको साफ दिखाई दे, और रोशनी जो आए वो दाई तरफ से आए, आपके सामने नहीं हो, पीछे नहीं हो, आपकी दाई तरफ से आनी चाहिए रोशनी। कभी भी लेट कर ना पड़े, बच्चों को भी कह दे कि लेट कर नहीं पढ़ना है। और किताब और आंखों के बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। और एक है नींद, जो हो नींद हमेशा पर्याप्त मात्रा में ले, ये सब सावधानी है, इन्हें आपको रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ में हम लोग कुछ आंखों के एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं। अपनी गर्दन सीधी रखिए और जो कमरे की छत है उसको देखो सिर्फ आंखों की पुतली से ही, फिर कमरे का फर्श देखो, बाई ओर देखें और फिर दाई ओर देखें। अब हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना है जब हमें आंखों की देखभाल की बात आती है। तो हम लोग ऐसी चीजें लें जिसमें विटामिन सी, जिंक या ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, किशमिश, ये सब चीजों में मिलता है वो। और ग्रीन वेजिटेबल, पालक है ना, और ये गाजर वगैरह भी बहुत अच्छी रहता है, इसके लिए विटामिन ए रहता है। और मूंगफली है, दही है, सोयाबीन है, और मौसमी फल है, खट्टे फल है, सब चीजें आप खाइए। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।